बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां पर कंकरखेड़ा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेतों में एक युवक का अधजला शव मिला। माना जा रहा है कि किसी युवक ने हत्या कर उसके शव को यहां जलाने की कोशिश की है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक बॉडी मिली है और पुलिस ने उसको कब्जे में लेते उसकी शिनाख्त के प्रयास पुलिस अभी कर रही है। उसको मोर्चे भिजवाया गया, उसकी शिनाख्त का प्रयास चल रहा है। बॉडी को बर्न भी किया गया है और जल्दी पुलिस में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेगी। सर, क्या पहचान हो पाई उसकी? अभी शिनाख्त का प्रयास चल रहा है। केंद्र सरकार एक ओर जहां स्वच्छता अभियान चलाकर गांव को गंदगी के अंबार से दूर रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ग्राम प्रधान भी अपनी मनमानी के चलते खूब दबंगई दिखा रहा है। मामला मुरादाबाद देहात के खुनपुरा गांव का है, जहां साफ सफाई का बुरा हाल है। गांव में फैली गंदगी को लेकर अब लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अमरीक सिंह। क्या मामला सफाई को लेकर के तुम्हारे गांव में? सफाई क्या, ये गार बहुत है और गांव में तमाम मच्छर लग रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं। तुमने शिकायत करी इसकी किसी से? और शिकायत भी करी थी। किससे करी थी? प्रधान से भी कही थी। क्या कहते हैं प्रधान जी? बोले होगा, होने होने में भी काफी दिन हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। कितने दिन से कीचड़ है? करीब हो गया, कम से कम 3-4 महीने। इसकी सफाईकर्मी सफाई कर रहे हैं? सफाईकर्मी तो यहाँ है ही नहीं, इन्होंने ट्रांसफर करा लिया और कोई सफाईकर्मी यहाँ आया नहीं अभी। आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि सुधार हो जाए तो और अच्छी बात है। इसमें मच्छर बहुत लग रहे हैं, बीमारी फैल रही तमाम। जोगंदर, क्या मामला है सफाई को लेकर? अरे भैया, प्रधान कुछ सुनी ना रहा है, मेरी मच्छर है, मेरी गंदगी है, कोई नाली सफा ना आया। कितने दिन होगा बिना नाली सफा? बहुत दिन से प्रधान से कहते हैं, यहाँ से निकास में बहुत दिक्कत है, सब आदमी रिश्ते आ रहे हैं, कोई भी आवे सब काम शुरू करे। प्रधान से कहा तुमने? प्रधान से 10 बार कही प्रधान से, मट्टी डलवा दे, बात किससे खत्म। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो रोड से हिसाब है, हमारे गाँव में सफाई हो, सब विकास हो। आदर्श आचार संहिता के दौरान बुलंदशहर निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जहां बुलंदशहर के बीबी नगर में चेकिंग के दौरान सचल दस्ते ने 3,10,000 की डिटेल नहीं होने पर कैश जब्त किया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कितनी नगद राशि पकड़ी गई है और क्या कार्रवाई की गई? देखिए, कल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में हमारी एसएसटी टीम द्वारा बीबी नगर थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति एक गाड़ी से जा रहे थे, 3,10,000 रुपये उनके पास कैश थे, जिसका कोई डिटेल कोई कागज़ उनके पास कुछ भी नहीं था। काफ़ी देर तक पूछताछ की गई, उनसे कागजात भी मांगे गए कि अगर उन्होंने किसी बैंक से ड्रा किया है, कहाँ से लिया है, तो डिटेल्स दें। वो कोई डिटेल नहीं दे पाए, कैश को सीजर कर दिया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है, वो इसकी जाँच करके आगे कार्रवाई करें। शुक्रिया सर, थैंक यू। सिद्धार्थनगर की बात करते हैं, जहां बरगदवा गांव में बीचों बीच अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से 5 मवेशियों के घर जलकर राख हो गए। आग का कहर इस प्रकार था कि पूरे गांव के लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। फिलहाल इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सर, तहसील क्षेत्र सोहर के अंतर्गत ये बरगदवा गाँव में कुछ घर जले हैं। ये हादसा हुआ है, लगभग कितना नुकसान हुआ है और कितने घर जले हैं? सर, ये बरगदवा गांव में जो है आग लगने की सूचना पर हम पहुंचे हैं। उसके पहले दमकल विभाग के लोग पहुंचे थे, पुलिस के लोग पहुंचे हैं और आग बुझा दी गई है। उसमें घारी के रूप में जिसमें पशु बांधे जाते हैं, कंडौरा और ये सब जो भूसा वूसा रखा जाता है, 4 घर जले हैं, 4 मतलब घारी जला है और उसमें जो छत का आकलन किया जा रहा है, जो नियमानुसार सहायता हो पाएगी। भैया, जो आग लगी है आपके गांव में, ये दहशत का माहौल बना हुआ है, ये कैसे लगा और कुल कितने घर जले? तो थे नहीं गांव पे, बाहर से आए, देखे आग जो है 6 घर में लगा हुआ है। गांव के लोग मिलके सब बुझा रहे हैं, लोग पंपी सेट लाए, लोग वहाँ से चालू किए फिर बुझाए और हम भी उसमें जो है लगाए, सब पानी धानी फेंकने लगे हम लोग। तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय से नहीं आई थी? नहीं, देर लेट के बाद आई, कुछ लेट हुआ है उन लोगों में। पुलिस का कितना सहयोग रहा? नहीं तो पुलिस तो आई है, वहाँ पुलिस और गांव के लोग मिलके बुझाए हुए हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर दरिंदगी के इंतहा की खबर सामने आई है। यहाँ एक युवक ने पहले नाबालिग के साथ रेप का प्रयास किया और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उस पर कैरोसिन ऑयल डालकर आग लगा दी।
वहीं पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अरमान। आपका जो बच्ची जली, क्या रिश्ता है उससे? क्या घटना घटी पूरी बताइए ना। बच्चे घर पर अकेले थे और बहन हमारी लड़की की पट्टी कराने गई थी और भाई हमारे काम पर गए। बहन जी दो बहन जी थी, एक छोटी थी एक 16 साल की थी। और जो ऊपर किराएदार रहता उसका भाई आया। बहन जी बोलती है कि यहाँ आपकी भाभी नहीं है ना आपके भाई है, चले यहाँ हम अकेले बाद में आना। उन्होंने तुम किवाड़ खोल दो, हम सामान रखने के लिए आया। कुछ देर वो जो भी रात 10 घंटे या 15 मिनट ऊपर रहा, फिर उसके नीचे आने के बाद लड़की के साथ हाथ सफाई चालू कर दी, बदतमीजी चालू कर दी। तो छोटी वाली लड़की कहती कि मैं हल्ला मचा दूँ। तो लड़की बोलती है कि, वो लड़का बोलता है कि अगर ज़्यादा हल्ला मचाओगी तो तुम्हें आग लगा देंगे, मट्टी का तेल छोड़ते। और भाई का काम यही है कि हमारे घर में मट्टी का तेल रहता, पॉलिश का काम करती है, वहीं से आग लगा दी। अब कैसे हालत है? हालत वही है, 7% कम से कम दिल्ली पड़ गई। अब बच्ची कहाँ है इस समय? दिल्ली। क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया आपका? जी कर तो लिया, बस सुनवाई हुई ना, एक को उठाया बस। क्या नाम है दोनों आरोपियों के? आमिर है और एक को उसको भी पता है, बस इसे ही जानते हैं आप। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन की निगाह संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर टिकती नजर आ रही है। नगर और गांव में भारी पुलिस फोर्स के साथ बूथ निरीक्षण किया गया। सर आज आपने बूथों का निरीक्षण किया निर्वाचन को लेके, क्या मिला वहाँ? मिला क्या, हम लोग जो अपना एहतियात के तौर पर सारे बूथों का जो क्रिटिकल है और जो वल्नरेबल हैं उनका विजिट हम लोग सीओ साहब के साथ, इंस्पेक्टर के साथ और सभी पुलिस के साथ कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। जो वल्नरेबल पर्सन हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि चुनाव में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निसंकोच निर्भय होकर निडर होकर मतदान करें। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि नहीं मैं जो है अच्छे से मतदान करूंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है जब आप लोग मेरे साथ में हैं। और जो वल्नरेबिलिटी कारक लोग हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो इस तरह की कोई दुर्घटना या इस तरह की कोई साजिश न करें जिससे मतदान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विजयनगर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ एक मकान को खाली कराने पहुंच गए। इतना ही नहीं, घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें और उनका गृहस्थी का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। हमारा है सुनो, मकान हमारा, इनके बेटा छोटा बेटा मोनू करके वो किराए पे लेने आया था, तो हमने उस समय हम चरमा थे तो दिया बत्ती जलती रही, इस मकान को दे दिया। अब चूंकि अरसा हो गया उनसे बार बार फोन पे बात की, मैं उज्जैन जिले में था कि बार बार बात की फोन पे, अनेकों बार कि मकान खाली कर दो हमको। इनकी भाषा ये हो गई थी मकान हमने ले लिया है, पूरे मोहल्ले में शोहरत है, पूरे मोहल्ले में शोहरत है। तब हम लोग देखे भाई ये अपना मकान गिरा, तब हम लोग इनको बोले बार बार, इनके हस्बैंड बोले मोहन यादव जी को कि आप मकान खाली कर दिए, हमारा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, हमको रहना चाहिए। अब विगत 15 दिन से हम होटल में यहाँ रुके हैं, श्यामसकी होटल में। और भाई होटल वाला कब तक, 1-2 दिन ओबलाइज कर देगा, लेकिन 15 दिन हो गए होटल खाना खा रहे, तो मिसेज की तबीयत खराब है। तो इनको बीच में आके हमने बोला कि साहब अब तो बेटी की शादी हो गई है, आप मकान खाली कर दिए, एक गेस्ट रूम हम खाली कर दिए, कम से हम दोनों रहेंगे। जब आपको खाना हो तो समय ले लीजिए मकान, किसी जिम्मेदार ने हमसे बोला चलो जितना समय चाहिए ले लीजिए। हम गेस्ट रूम हमारा बना, 2 आदमी हम लोग हैं, पति पत्नी बच्चे बाहर हैं, तो भी ये सुनने को तैयार नहीं, खाली करके दिया। अब बता ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमारा मकान हम बाहर खड़े, ये यह अंदर हैं, क्या किया जाए स्थिति में। तो आपने थाने में सूचना दी, उनको बताया कि साहब इनको समझा दें, वो भी समझाने आए थे, लेकिन ये जो है क्या नाम इनके शांति भाई जी इस कदर पेश आती हैं कि सुनने तैयार नहीं होती किसी से भी। इनके बेटे से बात हुई बीच में, जिम्मेदार है बेटे से बात हुई, तो उस समय पेशे की हमको आवश्यकता थी, तो हम चलो भाई ये रह रहे हैं तो इनको दे दिया, लेकिन इनके द्वारा कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि हम इनको दें। तब जरूरत थी, आज नहीं है हमें जरूरत, हमने अपना गोल्ड बेच के अपना काम किया, ठीक है। अरे वो खुद आए थे प्रभारी, हम समझा, हमने उनको निवेदन किया, लिख के दिया उनको कि पिछली बार आके इन्हें भतीजे पेश किया, देखे बैठे उनको कि समझे कि इनको समझाया कि हम 15 दिन होटल में पड़े हैं, कम से कम इतनी व्यवस्था कर दीजिए, गेस्ट रूम खाली कर दें। उनके हस्बैंड को फोन लगाया मोहन यादव को, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करें, हम बाहर हैं, मतलब हमारा घर, हम बाहर हैं। होली होटल में मनाई, हम लोग चलो होटल में भगवान रखे, अभी चल के देखो दिखा देते हैं आपको भगवान होटल में रखे। चलो आप सर नाम कहाँ पर है? मैं यहाँ विजयनगर टीए हूँ, पहले एक्चुअली में बाहर था, ठीक है, 1-2 घंटे के लिए आए, बोले भैया खाली कर दो हमको आवश्यकता, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की ना, इन्हें सुना इसको,
क्लियर, एक आध घंटे आए बोल के चले। अब चूंकि हम यहाँ हैं तो हमको आवश्यकता की नहीं है कि हम बाहर खड़े हो जाएं रोड पे। जब हमारा स्थिति ये है तो लोगों की क्या स्थिति होगी? पुलिस वालों के मकान हमने बाकायदा लिख के दिया है बाणताल थाने में। अभी इनको मिला ही नहीं मकान 4-5 साल। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में कंपनी द्वारा ठगे गए लोगों ने कंपनी के एजेंट्स को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। एचबीएन डायरी नामक कंपनी पिछले कई सालों से आम नागरिकों को पैसे दोगुना करने का झांसा देकर पैसे जमा करवा रही थी, जबकि कंपनी लगभग 6 साल पहले ही बंद हो चुकी है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है। बताइए राजेश जी, क्या मामला है पूरा? एचबीएन कंपनी के कुछ अधिकारी यहाँ जबलपुर आए थे, इसमें एक जॉय करके हैं, एक पाल हैं और एक थॉमस करके हैं, थॉमस एंथोनी। ये तीनों आज जबलपुर में आए थे, तो जॉय यहीं रहते थे। तो आज इन बहनों ने और भाइयों ने जिनका पैसा जमा था, कुछ एजेंट बेचारे परेशान थे क्योंकि लोगों का पैसा बार बार जमा करके, इनने 2012 में कंपनी बंद हुई और 2017 तक लोगों का से पैसा लेते रहे इन लोग। ये फ्रॉड जनता के साथ भी किया और उसी पैसे से कुछ लोग को चुकाते भी गए पैसा, लेकिन ये हज़ारों लोगों ने इनकी एचबीएन कंपनी में पैसा डाला। आज चूँकि जब मेरे को बुलाया गया तो मैंने चलो ठीक है भाई मैं बात कर लेता हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप भी आ जाओ जरा, कि लोग आए हुए नहीं भाग जाएंगे। तो फिर मैंने माननीय टीआई महोदय से बात करी कि भाई ऐसी सी बात है, गरीब लोग का पैसा है और ये इनको लोग तंग करते हैं आके, तो इस वजह से जिनका पैसा वो भी आए हैं और जिन जो एजेंट बेचारे जिनने जिनको एजेंट बनाया वो भी आए हैं, और इस तरीके से उनको थाने में आके यहाँ पर आज हम लोगों ने भर्ती कराया गया है। जबलपुर की हाथीताल लक्ष्मी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आसपास के लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन समेत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। क्या घटना हुई है, क्या समय? लक्ष्मी कॉलोनी में, हाथीताल लक्ष्मी कॉलोनी में मकान में गैस सिलेंडर लीक हो गया था जिससे आग लग गई थी, इसे पूरी तरह बुझाया। कितनी गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड? एक गाड़ी लेके आए थे फायर ब्रिगेड। किस वजह से लगी है आग? आग गैस सिलेंडर द्वारा। गैस सिलेंडर लगी। क्या नाम है आपका? मैं मदन लाल शर्मा। एक बार फिर से बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर रेलवे के डीआरएम दफ्तर में आज तड़के भीषण आग लग गई। आग डीआरएम दफ्तर की दूसरी मंजिल पर लगी है, जिसे यहां रखे कंप्यूटर और फर्नीचर सहित कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हालांकि घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन आग से जरूरी दस्तावेज जलने के पीछे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा। ऐसे में जबलपुर के डीआरएम मनोज कुमार सिंह ने घटना की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।